यार देखो, अगर आप अपने बाइसेप के साइज को बड़ा करना चाहते हो, हाथों को चौड़ा करना चाहते हो, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। आज के वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को 10 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको अगर आप करते हो तो बहुत जल्दी आपके बाइसेप का साइज इंक्रीज हो जाएगा, आपके हाथ चौड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं टिप्स पे, उसके बाद बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाइसेप अगर आप बना रहे हैं या किसी भी अगर अपने बॉडी पार्ट को आप ट्रेन करना चाहते हैं या आप उसको बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी एक बॉडी पार्ट को आपको रोज ट्रेन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं कि अगर वो बाइसेप बड़ा करना चाहते हैं तो वो बाइसेप को बार बार और रोज ट्रेन करते हैं। एक चीज यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि अगर आप रोज ट्रेन करेंगे अपने बाइसेप को तो वो कभी भी बड़े नहीं बन पाएंगे। हमारी बॉडी बनती क्यों है? हमारी बॉडी इसलिए बनती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल फाइबर होते हैं, वो ब्रेक होते हैं। उसके बाद जब उसे हम आराम देते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद उसे हम आराम देते हैं, तो वो जो बॉडी पार्ट है वो हील होता है और जो हमारा डैमेज हुआ बॉडी पार्ट है वो धीरे धीरे हील करके उसको बड़ा मसल्स को बनाता है, बड़ी मसल्स बनती हैं। तो मान लीजिए अगर आज आपने बाइसेप की एक्सरसाइज की है तो अगली बार बाइसेप की एक्सरसाइज करने से पहले मिनिमम 2 दिन का अंतराल, 2 दिन का ब्रेक दें ताकि आपकी बॉडी हील हो पाए। उसके बाद में जैसे जैसे आप धीरे धीरे समय देंगे, आपकी बॉडी जरूर ग्रो हो जाएगी। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि हमें करना क्या है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। मतलब मान लीजिए आप अगर आज 1 किलो वजन उठा रहे हैं अपने बाइसेप से, अपने आर्म से, तो आप कुछ हफ्तों बाद उस वजन को 1.5 किलो कर दीजिए, फिर कुछ समय बाद उसको 2 किलो कर दीजिए। अगर आप ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी कभी भी नहीं बन पाएगी, आपका बाइसेप कभी भी नहीं बन पाएगा। उसके साथ में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप अपने बॉडी को प्रोटीन देते रहें। बहुत से लोग मुझसे ये कहेंगे कि भाई हमारे पास प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट खरीदने के पैसे नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके पास में जो घर में चीजें अलाउड है, जो आपको घर में खाने को मिल रहा है, आप उससे भी बॉडी बना सकते हैं। आपको बस ये सर्च करना है कि जो आप खाना खा रहे हैं किसमें कितना प्रोटीन होता है। जैसे हम दाल खाते हैं, हमारी दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है। हम दूध पीते हैं, दूध में काफी अच्छा प्रोटीन होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आपकी बॉडी बिल्कुल बनेगी और आपके जो बाइसेप हैं उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो चलिए आज जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा, मैं आपको एक साथ दो दो एक्सरसाइजेस बताऊंगा क्योंकि 10 एक्सरसाइजेस मैं आपको बताने वाला हूं, 10 वेरिएशन बताने वाला हूं, तो ज्यादा समय ना लगे इसलिए मैं आपको एक साथ दो दो एक्सरसाइजेस बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं अपनी पहली और दूसरी एक्सरसाइज पे, जो कि है आइसो हैमर कर्ल और पल्स कर्ल। इन दोनों एक्सरसाइजेस को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ध्यान इस बात का रखना होता है कि दोनों एक्सरसाइजेस में हम अपने हाथों को एक्सरसाइज के बीच में हल्का सा रोकते हैं, हल्का सा पल्स देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है उसमें बहुत ज्यादा पंप आता है, जो हमारी बाइसेप मसल्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये दोनों एक्सरसाइज हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। दोनों ही एक्सरसाइज एक तरह का कर्लिंग मूवमेंट है और इन एक्सरसाइजेस के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी तीसरी और चौथी एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी हैमर ट्विस्ट कर्लिंग मूवमेंट है। अब देखिए इन एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। दोनों ही एक्सरसाइज में हम हैमर कर्ल की तरह एक्सरसाइज करते हैं। ध्यान इस बात का रखना होता है कि जब हम अपने हाथों को ट्विस्ट कर रहे हैं तो एक बार हम अंदर को ट्विस्ट करते हैं और एक बार हम बाहर को ट्विस्ट करते हैं। ये दोनों अलग अलग मूवमेंट है, आप दोनों मूवमेंट को अलग अलग ही परफॉर्म करिएगा। इन दोनों एक्सरसाइज को करने से हमारे जो बाइसेप होते हैं वो काफी तेजी से चौड़े होने लगते हैं और आप ये भी फील करोगे कि इस एक्सरसाइज को करने से आपके बाइसेप में काफी ज्यादा गर्मी आएगी। इन दोनों एक्सरसाइजेस के भी हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी पांचवी और छठी एक्सरसाइज पे, जो कि हमारा एक कर्लिंग मूवमेंट है। इस मूवमेंट को हम अपने घर में किसी बेड पे या फिर आप चाहे तो सोफे पे कर सकते हैं। इस मूवमेंट को 2 तरीके से परफॉर्म किया जाता है। आप चाहो तो अपने एक हाथ से परफॉर्म कर सकते हो या फिर आप चाहो तो अपने दोनों हाथ से भी इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हो। ये हमारा बहुत ही अच्छा कर्लिंग मूवमेंट है जो हमारे बाइसेप के लिए बहुत अच्छा होता है और ये काफी तेजी से ग्रो करता है हमारे बाइसेप को। एक बात को ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो इसके बीच में जो सेट्स अलग अलग आप लो तो हर सेट्स के बीच में आपको ज्यादा गैप नहीं देना है, ज्यादा रेस्ट नहीं करना है, तब आपकी जो मसल्स है वो तेजी से ग्रो होने लगती है और जो मसल्स की पंपिंग है वो भी काफी तेजी से होने लगती है। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 4 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपने 7वें और 8वें कर्लिंग मूवमेंट पे, जो कि है हमारा डम्ब
डंबल पाम कर्ल, ये एक्सरसाइज काफी अच्छी है, अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है आर्नोल्ड कर्ल। अब देखिए आर्नोल्ड कर्ल तो आप समझ ही गए होंगे कि आर्नोल्ड के नाम पे रखी गई है। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो कि है डंबल पाम कर्ल, जिसमें अपने जो पाम, जो हमारा पंजा होता है हाथों का, उसमें हम डंबल को पकड़ते हैं और कुछ इस तरीके से पोस्चर को परफॉर्म करते हैं, जो आप पहली वाली एक्सरसाइज देख रहे हैं। उसी के साथ में ये एक्सरसाइज हमारे फोर आर्म से रिलेटेड नहीं होती है, मतलब इसमें हम अपने फोर आर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारे जो बाइसेप हैं केवल वही इन्वॉल्व होते हैं और ये काफी तेजी से ग्रो भी होते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप दोनों कर सकते हैं। इन दोनों एक्सरसाइजेस के भी हमें 4 सेट करने होते हैं और 12 रिपीटेशन किए। उसके बाद में आते हैं अपनी 9th एक्सरसाइज पे, जो कि है प्रीचर कर्ल। अब देखिए प्रीचर कर्ल के बारे में तो हम सभी ने सुना है, इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। प्रीचर कर्ल भी मानी गई है काफी अच्छी एक्सरसाइज और ये कर्लिंग मूवमेंट का ही एक वेरिएशन है, जिसको करने से हमारे बाइसेप का साइज काफी तेजी से इंक्रीज होता है। उसके बाद में आते हैं अपनी 10th एक्सरसाइज पे, जो कि है हैमर प्रीचर कर्ल। जैसे हम प्रीचर कर्ल करते हैं अपने हाथों को सीधा रख के बाइसेप कर्ल की तरह, उसी तरह हम करते हैं हैमर प्रीचर कर्ल, अपने हाथों को हैमर कर्ल की तरह रख के, और इन एक्सरसाइजेस को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इन दोनों एक्सरसाइजेस के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। और जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, आप सारी एक्सरसाइजेस के वेरिएशन अलग-अलग परफॉर्म करो और आप देखोगे कि बहुत ही कम समय में आपके बाइसेप का साइज काफी ज्यादा ग्रो होगा। और जब आप एक्सरसाइज करोगे, जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने बताई, इन सभी एक्सरसाइज को करने से आपके हाथों में पंपिंग आएगी, आपकी जो मसल्स है बहुत ज्यादा पंप होंगी, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आप देखोगे कि बाइसेप का साइज काफी कम दिनों में इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिएगा वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।